इसकी परफेक्ट हो जाएगी, मगर एज यू कैन सी यहाँ पे थ्रेडेड है, तो ऐसा कर कट करने से ये थ्रेड भी कट हो जाएगा। राइडर है क्या चलाते हैं? टैंक। सर आप कैप्टन हो, मैं चलाते हूँ टैंकर, और यहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा चला लेता हूँ। किसी ने पूछा क्या चलाते? सेला, मैं सब कुछ चलाता हूँ। What is inside the city? मेरे को तो नहीं मालूम, आप बताओ इसमें क्या है? बजरंगबली city. Who is बजरंगबली? मेरे को तो मालूम ही नहीं है। बजरंगबली तो भगवान जी है। वो कौन से भगवान जी हैं? वो क्या करते हैं? जो भूख लगते हैं जिनको खाना खाते हैं। हमेशा खाना खाते वो? हाँ। और क्या किया था उन्होंने? आरण्य वर्कआउट किया था। वर्कआउट करते हैं भगवान जी? और क्या करते हैं वो? आज वो फैन चला के सोए थे, सूर्य भगवान को वो बजरंगबली खा गए थे और सो गए थे फैन चला के। आज का प्लान है ऑफ कोर्स डेली का क्या बताने का, जिम। या ये मेरी फेवरेट जीन, इसको मैंने बहुत ट्राई किया खुद से इसको स्टिच करने का, मगर ये बात दम नहीं रही है, तो मुझे लगता है मुझे टेलर के पास जाना चाहिए। अगर मेरे पास शेविंग मशीन होती तो इसको रिपेयर करना है। ये मेरे दोस्त का बेल्ट है, उसने मेहनत करके अपना वेस्ट साइज बहुत कम कर लिया है, तो बेल्ट में होल्स की कमी है। ये होल्स तो खैर मैं घर में खुद ही अपने वर्कशॉप में मार दूंगा। एडिट करते करते मम्मा को कुछ काम आ गया और मेरे को वो छोड़ छाड़ के यहाँ पे इनके क्लास के लिए सिटिंग करना पड़ा। ये एक स्टैंडर्ड काम है यार, घर में बच्चा होता है ना, इजी नहीं है, इजी नहीं है। लंच रेडी, रंजना सिंह मेरी टिकट बुक करी है गांव की, मुंबई टू वाराणसी। ओके, जस्ट वन सेकंड, अक्टूबर के अराउंड अभी टाइम है। हां, पहले क्या करूं क्या? सेकंड टू 8 था ना? जगह पे रखते हैं, जिम वेम करते हैं। इतनी तेज बारिश, वाह 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 वाह, थैंक गॉड। मेरा मुंबई का ट्रिप कल था और आज मुझे मोस्टली घर पे ही रहना, छोटे मोटे काम है। ऐ डस्टबिन गिरा दिया मैंने यार, क्या है। ये हमको फ्रेंड से मिला है, बहुत ही हेल्थी बिस्किट और बहुत ही टेस्टी भी है, इसको खाते हैं। बेबू ये डिब्बा खोल के मेरे को मिल गया, ये देखो तो बेबू ये मिल गया, कौन खाएगा? गुड, आपके लिए है भी नहीं। बहुत ही खुशी की बात है कि दोस्त ने अपना वेट कम कर लिया, अपना वेस्ट लाइन भी कम कर लिया, मेरा कम बढ़ गया इस बेल्ट में एक्स्ट्रा होल्स करने का, जो कि मैं बड़े मजे से करूंगा। हाँ, तो क्योंकि उसका वेस्टलाइन कम हो गया है, होल्स हमने एक्स्ट्रा कर लिए, तो बेल्ट का ऑब्वियसली एंड में लेंथ जो है वो एक्स्ट्रा ज्यादा हो रहा है। तो अभी मैंने देखा तो आई थिंक अगर ये मैं दो होल छोड़ के अगर मैं यहाँ पे कट करके बना दूं तो लेंथ इसकी परफेक्ट हो जाएगी, मगर एज यू कैन सी यहाँ पे थ्रेडेड है, तो ऐसा कट करने से ये थ्रेड भी कट हो जाएगा और यहाँ से बेल्ट के खुलने का चांस होता है। तो उसको हम लाइटर से थोड़ा हीट करके उसको वहाँ पे सील कर देंगे। और यहाँ पे ये बेल्ट का काम कंप्लीट हो चुका है, एक्स्ट्रा पांच होल एक्स्ट्रा मार दिए हैं, एक्स्ट्रा लेंथ को कट कर दिया है, इसको यहाँ से ग्राइंड करके निकाल दिया गया था, थोड़ा सा इसको बर्न करके और फेविक्विक चिपका के जो लूज एंड है इसको सिक्योर कर दिया गया है। आई होप मेरा दोस्त इस बेल्ट को देख के खुश हो।
दोपहर के 3 बजे और बेबू देख रहा है पेपा पिक as usual, मेरे डे के काम की प्लानिंग के हिसाब से आई एम रनिंग वेरी लेट. मैं जिम करने जा रहा हूँ, आई क्या? नहीं, मैंने जिम छोड़ दिया है. मैं मोटी लग रही हूँ क्या? कैसे लोगों का कैसा फंडा होता है ना, उनको लगता है अगर मोटे हो रहे तो ही जिम करना चाहिए. पत्ते लोग को भी जिम करना होता भाई. जिम इज फॉर फिटनेस. आई नो दैट रे, मैं ब्रेक पे हूँ. तू ब्रेक पे है? मैं जब से आया हूँ तब से तू ब्रेक पर ही है. खाना दिन रात खाना बनवाते हो, 4 meals. अरे शिप पे ही सही था यार, इतना मस्त खाना मिलता था. मैं खराब खाना बनाती हूँ? अच्छा बनाती है, मगर शिप पे थोड़ा अलग मिलता था. मतलब मैं खराब खाना बनाती हूँ? नहीं, मतलब तो कुछ नहीं है, अच्छा डिफरेंट बनाती है. मगर शिप को क्या इतना गाली नहीं देता था कि खाना बनवाते खाना बनवाते खाना बनवाते. तो हमें भी ले चलो शिप पे. लेट्स वी ऑल गो. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. कोरोना खत्म हो जाए फिर तुम शिप पे चलोगी. बेबू बिना स्लीपर के आप गार्डन में क्या कर रहे हो? पहले पहनो इसको, चलो जल्दी पहनो. हाँ तो क्या करे अभी, आप विदाउट स्लीपर घूम रहे हो तो फिर क्या करूँ मैं? घर का या गार्डन का, मुझे क्या पता कौन सा गार्डन का कौन सा स्लीपर का है. क्या बना रहे हो? सैलेड. सैलेड मॉर्निंग में मिट्टी डाल दिया था आपने अपने आईज में, इसमें 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 है ना? रुहान ने डाला. रुहान ने डाला. यू हैव टू बी केयरफुल बेबू, दिख तो रहा है सैलेड जैसा. आज मिलेगा सैलेड खाने को? क्या आज मिल जाएगा सैलेड खाने के लिए? ये शाम के बज गए 4:45. मिला है एक रोटी के अंदर सब्जी डाल के. कॉफी बहुत देर से मांग रहा हूँ, मिली नहीं है कॉफी. जल्दी दे दे. मिल जाएगा, चैन लेने दो, अभी नहाया है. चैन ले लो, कॉफी, खड़खड़िया बिस्किट. ओके मिलेगा मिलेगा. इतने कपड़े पेंडिंग फॉर वॉशिंग, बारिश में कपड़े धोते नहीं कि सूखेगा नहीं, है ना बेबू? इतने कपड़े पेंडिंग. अरे बाबा रे, भारी है ये तो. यही सब काम करते हैं घर में, इससे तो अच्छे काम शिप में होते हैं. मैंने बोला होता नहीं. ओए ओए ओए, लाओ ना मैं उठा के, लेकिन भारी लाना का ना मेरे को. दिस वन वी विल वॉश सेपरेट, गिव मी रिमेनिंग गार्मेंट्स. ए मेरा पैंट दे दो बेबू फटाफट. मेरा कपड़ा मैं इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ, धुला ही नहीं है. 15-20 दिन से इस पैंट को मैं ढूंढ रहा हूँ, पता चला इधर ही है. धोते ही नहीं टाइम पे मेरा कपड़ा, तो अपना धो के रख देते बस. फ्लावर भी वॉश करना है इनको. डिफिकल्ट. देखो देखो, जहाज पे भी लोग यही करते हैं, ज्यादा सोप यूज करते हैं, मशीन की वाट लग जाती है. ज्यादा नहीं है वो, कपड़े देखो कितने. वो भी करते हैं, एक कपड़ा डालते हैं तो रब दबा के मशीन का पाउडर डालते हैं, मशीन की वाट लग जाती है. मेरे पूरे करियर का ये प्रॉब्लम रहा है, हर शिप पे दो दो मशीन ऑर्डर करो, सुपरिटेंडेंट से लड़ाई करो, क्यों चाहिए मशीन सब बताओ, यही सब चलता है अपना. झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा, लाइफ के मजे लो, हस्बैंड के साथ मूवी देखो, एंजॉय करो जिंदगी, खुद की भी और हमारी भी एंजॉय करने दो हमको. झगड़ा कौन करता है? क्या देखेंगे नेटफ्लिक्स पे ये बता. कुछ तो देखेंगे, कुछ तो ऐसा कुछ देखना जो मेरा फेवरेट हो. आईपीएल देखेगी? आईपीएल चालू है. ऐसे कैसे होगा भाई? बच्चे लोग कभी झगड़ा कभी प्यार, ऐसे ही खेलते रहते हैं और अभी रोना चालू. आज तो लगता है कि एनकेआर बाहर नहीं जाने वाली. जो आधा एक घंटा हमको रिलैक्स मिलता है वो नहीं मिलने वाला आज. आज पूरे दिन ही सोचता रहेगा कि जिम अभी करूंगा अभी करूंगा अभी करूंगा, और पोस्टपोन होता गया और अब रात के 8 बज चुके हैं. फाइनली मैं आ गया हूँ जिम करने. आज है मेरा बैक वर्कआउट, ये खत्म करता हूँ डिनर और फिर सोता हूँ. ये जो डंबल्स में वेट लगे हुए हैं, ये सब तो मैंने साइन ऑफ के दिन ही जब मेरी वाइफ मेरे को पिकअप करने थे रास्ते में मैंने डिकैथलॉन से ले लिया था, मगर उस टाइम पे ये छोटे वाले वेट्स नहीं थे. तो आज होगा इनका फर्स्ट टाइम यूज. देख के ही मजा आ रहा है इसको, क्योंकि ये था पहले 5, 5 और 2 का बार 12,
अब आ गया इसमें ढाई और ढाई, मतलब ये हो जाएगा अब ऑलमोस्ट 17। जिम इक्विपमेंट कंप्लीट करके इतना मजा आ रहा है ना मेरे को, अब इसका वर्कआउट का भी मजा लेते हैं। अब मुझे और कुछ भी नहीं खरीदना। ज्यादा भारी है। यूज टू नहीं हो ना, दो दिन में यूज टू हो जाऊंगा। चलो दोस्तों, तो आपको अगर अच्छा लगा ये ब्लॉग तो लाइक दबाइए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए। स्टे फिट, जय हिंद, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।